वेलकम टू ओएम कास्ट। आज हमारे साथ है टाटा की नेक्सॉन और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है नेक्सॉन का। चलिए इसके हम फीचर बताते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको आगे की तरफ पियानो फिनिशिंग मिल जाती है और ये है टाटा का लोगो। और यहाँ पे आपको DRL मिल जाती थी और प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। नीचे आपको फॉग लैम्प का भी ऑप्शन मिल जाता था। इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन है और दूसरा है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। और ये जो सामने गाड़ी खड़ी है, ये 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती है, जो कि 1497 सीसी का इंजन है और 113 bhp की पावर निकालता है और 260 Nm का टॉर्क भी इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलेगा। ये इंजन आपको करीब 24 का माइलेज दे सकता है हाईवे पे और 22 से 23 का आप माइलेज दे सकते हैं इसमें सिटी में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। इसमें 44 लीटर का फ्यूल टैंक भी आपको मिल जाता है। साइड में आपको टाटा नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है और इसमें आपको अलॉयज का ऑप्शन मिलता है। और टायर साइज इसमें दिया हुआ है 215/60R16। ये 16 इंच का टायर है, काफ़ी ब्रॉड है टायर्स का, चौड़ा काफ़ी है टायर, अच्छी लगती है जब दूर से चलते हैं टायर, काफ़ी अच्छा लगता है इसका। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, बॉडी कलर पेंटेड हैंडल है इसमें। साइड मिरर आपको ब्लैक में मिलते हैं और इसी में ही आपको इंडिकेटर माउंटेड मिल जाता है। ये सब इसकी एसेसरीज है टाटा की और ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं, जेन्युइन एसेसरीज है टाटा मोटर्स की। क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और साइड की प्रोफाइल कुछ इस तरह से दी हुई है। तो साइड से इसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। इसकी टोटल लेंथ है 3993 mm की और विड्थ है इसकी 1811 mm की। नेक्सॉन में आपको करीब 2498 mm का व्हील बेस मिल जाता था। एक SUV के हिसाब से काफ़ी अच्छा व्हील बेस दिया हुआ है टाटा नेक्सॉन में। चलिए गाइस, हम आपको इसका पीछे की लुक दे दिखाते हैं कि पीछे की तरफ क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाटा की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको इसके रियर डिफॉगर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऊपर स्पॉइलर में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाती है और ये इसका वाइपर हो गया। यहाँ पे आपको नॉर्मल से वही पुराने डिज़ाइन के इसमें टेल लैम्प मिल जाते हैं सारे। इसमें आपको हैलोजन बल्ब दिए हुए हैं। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और आपको पीछे की तरफ दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। चलिए गाइस, हम आपको इसका बूट का स्पेस दिखाते हैं कि नेक्सॉन में कितना बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको करीब 350 लीटर का बड़ा सा बूट मिलता है, आप कुछ भी सामान अपना रख सकते हो अच्छा खासा। यहाँ पे आपको 3 ट्रॉली तो आराम से आ जाती हैं, वो भी फुल साइज़ की। नीचे ही आपको स्पेयर टायर रखने की भी जगह मिल जाती है और यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह रखी है और साथ ही में आपको पंचर किट कुछ यहाँ पे मिल जाती है प्लेस हुई। और ऊपर पार्सल ट्रे दी हुई है, ये एसेसरीज है नेक्सॉन की। और ये सीटें आपको 60-40 के रेशियो में स्प्लिट भी हो जाती हैं। तो ये है टाटा नेक्सॉन ऑटोमेटिक का इंटीरियर। आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है। यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग मिल जाती है और इसमें टाटा नेक्सॉन की बैजिंग भी मिल जाती है। ये आपका 7 इंच का हार्मन गार्डन का स्टीरियो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। और ये पूरा टच में है, मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये सब कुछ आपको टच में मिल जाता है। नीचे आपको पियानो फिनिशिंग में इसके AC के सारे वेंटिलेशन के कंट्रोल मिल जाते हैं। और आपको आगे की तरफ दो एयरबैग का ऑप्शन मिलता है, 4 एयरबैग इसमें नहीं मिलते, लेकिन आपको सेफ्टी रेटिंग इसमें आपको 5 स्टार मिलती है NCAP की तरफ से। ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ये नॉर्मल से आपके ORVM हो गए। ऊपर आपको इंटीरियर की लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको सनरूफ के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन दिया हुआ है और सनरूफ देख रहे हैं, अभी मैंने खोल के रखी है और काफ़ी बड़ी सनरूफ है यहाँ पर।
यहाँ पे आपको टिकट होल्डर और सनशेड का ऑप्शन मिल जाता है, और को पैसेंजर साइड में आपको मिरर का भी ऑप्शन दे देती है कंपनी। इसके ग्लव बॉक्स काफ़ी डीप है, अच्छा सा स्टोरेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको एक छोटा सा बल्ब भी मिल जाता है नाइट के लिए। और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाता हूँ कि टाटा ने ये चीज़ें अपनी गाड़ियों में दी हुई हैं, एक ना एक थोड़ा सा अलग से टच देती है। यहाँ पे आपको टाइगर का शेप दिख रहा होगा, और जैसे काजीरंगा का एडिशन आया था तो उसमें आपको राइनो का सिंबल मिल जाता था। इस साइड में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको अम्ब्रेला रखने की भी जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल दी हुई है, और यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग और पावर विंडो के स्विचेस दिख जाते हैं। ऊपर आपको क्रोम फिनिश में आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाती है। सेम साइड आपको इस तरफ भी चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक की बटन, और यहाँ पे आपको साइड मिरर एडजस्टमेंट की भी बटन मिल जाती है। और यहाँ पे स्टेयरिंग पे आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, और यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल हो गया, और यहाँ पे आपको एयर बैग मिल जाता है इसी में। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और साइड में आपको USB के भी चार्जिंग की पिन दी हुई है। ये टाटा की हो गई है, काफ़ी अच्छी की डिज़ाइन करी है टाटा ने। यहाँ पे आपको सा स्टोरेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, और इसके आर्मरेस्ट में एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये फिक्स है एक ही जगह पर। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ पे इसके वाइपर के कंट्रोल हो गए, और साइड में दूसरी तरफ आपको हेडलाइट के एडजस्टमेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं। सामने का आप ओडोमीटर मैं ऑन करके दिखा देता हूँ कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। ये टाटा नेक्सॉन का ओडोमीटर हो गया, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जा रही है। इसमें करीब आपको 4 इंच का LCD डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको टायर के प्रेशर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको छोटी सी क्लॉक दी हुई है, और यहाँ पे गियर की पोजीशन दिख जाती है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिख जाता है, और टोटल किलोमीटर अभी तक कितनी ड्रिवन हुई है गाड़ी वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको RPM का भी मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको टोटल फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी कहीं से भी टाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। कोल्ड इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स मिल जाता है आपको, W3W का TM एड्रेस बेस्ड नेविगेशन मिल जाता है, एयर क्वालिटी कंट्रोल, डोर हजार वार्निंग, स्पीड अलर्ट और स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक वगैरह भी आपको इसमें मिल जाते हैं। जियो फेंस अलर्ट जो काफ़ी अच्छी गाड़ियों में मिलता है आपको, वो भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। ये एक एडिशनल फीचर है, और इसमें आपको हिल असिस्ट वगैरह का भी टेक्नोलॉजी आपको इसी में इनबिल्ट मिल जाएगी। और अगर बात करें टाटा नेक्सॉन की सेफ्टी की, तो कहीं से भी इस कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं छोड़ रखा है। NCAP में तो इसको 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और EBD, ABS और डोर हजार वार्निंग और भी काफ़ी सारे जो मॉडर्न फीचर हैं वो इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। साथ ही आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाते हैं, और साथ ही आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे खास फीचर भी देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में। और इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी खास है, आप इसको 5 मीटर की रेंज में काफ़ी आसानी से आप इसको पूरा टर्न कर सकते हैं। इस गाड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है 7,80,000 रुपये से, 14,35,000 ऑन रोड तक ये गाड़ी जाती है। टाटा नेक्सॉन की दो राइवल गाड़ियों के साथ कंपटीशन है, एक है सुजुकी की ब्रीजा और दूसरी है महिंद्रा की 300। दोनों ही काफ़ी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन जहां सेफ्टी की बात आती है वहां थोड़ा सा आगे निकल जाती है टाटा नेक्सॉन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड के साथ।
एंड कीप वॉचिंग OEM कार्स।